अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आमना और आप देख रहे हैं किचन विद आमना यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपने किचन में बना रहे हैं सिराचा चिकन नूडल्स, इतने मजे के, इतने टेस्टी और झटपट बनने वाले। तो उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, हाफ पैकेट मैंने नूडल्स लिए हैं जिसको मैंने दो हिस्सों में तोड़ लिया है, ईजी हो जाएगा इसलिए मैंने दो हिस्सों में तोड़ा है। चिकन लेंगे हम बोनलेस 1 कप, मैंने इसको छोटे छोटे क्यूब्स में काटा है। लहसुन लेंगे क्रश किया 1 टेबल स्पून, ऑयल लेंगे हम 1 टेबल स्पून, काली मिर्च का पाउडर लेंगे 1/2 टीस्पून, ब्राउन शुगर लेंगे हम 1 टेबल स्पून। अगर आपके पास ब्राउन शुगर नहीं है तो आप हनी भी ले सकते हैं, हनी ले लें 1 टेबल स्पून। नमक लेंगे हम हसबे जायका, मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून नमक लिया है। स्वीट कॉर्न लेंगे हम 1/2 कप, मुझे कॉर्न पसंद है तो मैं कॉर्न ले रही हूँ, आपको कोई भी वेजिटेबल्स पसंद है तो आप ले सकते हैं। तो ये बॉयल किए हुए कॉर्न है। शिमला मिर्च ली है मैंने 1 अदद कटी हुई ग्रीन वाली, अगर आपके पास रेड है तो बहुत अच्छी बात है, इससे ये होगा इसके जो कलर होगा ना बहुत अच्छा आएगा। थोड़ी सी ग्रीन डाल लें, थोड़ी सी रेड डाल लें, और मैंने कॉर्न ली है, अगर आप कॉर्न नहीं पसंद करते तो येलो वाली शिमला मिर्च भी ले सकते हैं। सिराचा नूडल्स को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे शंग्रीला की सोया सॉस 1 टेबल स्पून, शंग्रीला की हॉट सिराचा सॉस तकरीबन 4 टेबल स्पून। तो मैंने नूडल को बॉयल करने के लिए यहाँ पे पानी ले लिया हसबे ज़रूरत, और इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल दूंगी, तकरीबन 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला है, और इसमें थोड़ा सा मैं ऑयल डाल दूंगी 1 टीस्पून ऑयल, और इसको हल्का सा गर्म होने देंगे, नमक को मिक्स कर लेंगे, नमक और ऑयल अच्छे से मिक्स हो जाए। तो पानी हमारा हल्का सा गर्म हो चुके है, अब इसमें हम नूडल्स डाल देंगे, और फ्लेम हमने हाई रखी हुई है, हाई फ्लेम पे हमने इसको बॉयल करना है तकरीबन 15 मिनट तक, 15 मिनट तक ये अच्छे से बॉयल हो जाएंगे। तो ये देखें ये बॉयल्ड हो चुके हैं, अब इन्हें हम छान लेंगे। तो ये देखें ये बॉयल्ड हो चुके हैं, इन्हें हम साइड पे कर देंगे। पैन में डालेंगे ऑयल और इसमें डालेंगे लहसुन, हल्का से इसे फ्राई करेंगे। तो ये देखिए हल्का सा हमने इसे हल्का सा कलर दिया, अब इसमें हम डाल देंगे चिकन। चिकन डाल के हम इसका कलर चेंज करेंगे। तो ये देखें चिकन का कलर चेंज हो चुका है, अब इसमें डालेंगे नमक, शंग्रीला की सोया सॉस, मिक्स करेंगे। और इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर और डालेंगे कॉर्न, शिमला मिर्च, ब्राउन शुगर, अगर ब्राउन शुगर नहीं है तो आप इसमें हनी ऐड कर सकते हैं। मिक्स कर लेंगे, फ्लेम को आपने मीडियम कर देना है। 5 मिनट तक हम इसे पकाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो ये देखिए अच्छे से ये ड्राई हो गया, चिकन भी हमारा कुक हो चुका है, अब इसमें हम डाल देंगे नूडल बॉयल किए हुए। और अब इसे हम मिक्स करेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे शंग्रीला की हॉट सिराचा सॉस, मिक्स करेंगे। तो ये देखिए कितनी जबरदस्त सी खुशबू आ रही है सॉस डालने से। तो अब इसे हम रख देंगे दम पे 5 मिनट के लिए, मिक्स हमने कर लिया, दम पे रखेंगे कवर करके 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो ये देखिए रेडी है, अब इसे हम डिश आउट कर लेंगे। तो तैयार है सिराचा चिकन नूडल्स, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मजे के बने हैं। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और इस वीडियो को मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।
तो अगर आपको ये सराचा चिकन नूडल्स की रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें, और अगर आप ये रेसिपी ट्राई करके इसकी पिक्चर में शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम, और इस बटन पे क्लिक करके किचन विद आमना चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस बटन पे क्लिक करके लाइक विद आमना चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ वाले बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे आने वाली मेरी हर रेसिपी और हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। अल्लाह हाफिज़।